10 दिन में पहुंचना था ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन 30 दिन बीत गए तब भी वो ड्राइविंग लाइसेंस उनके घर पे नहीं पहुंचा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 10 दिन में पहुंचने वाला ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों कि किसी किसी का तो महीने भर, किसी किसी का 15 दिन में पहुंचता है, किसी किसी का तो 2 महीने 3 महीने में भी नहीं पहुँचता, किसी किसी का तो घर पर ही नहीं आता है। क्यों ये ऐसा होता है, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। 10 दिन में पहुंचने वाला ड्राइविंग लाइसेंस महीने भर या 2 महीने भर में पहुंचता है और कभी कभी तो पहुंचता ही नहीं है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी और बड़ी खबर यहाँ पर जानने को मिलेगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप सभी को प्रणाम, आलोक मेरा नाम, और आप तक सही जानकारी पहुंचाना है मेरा काम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी पे बात करने वाला हूं और आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप क्या गलतियां कर देते हैं जो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि RTO में, मैंने खुद वहां पे आपको रिसर्च करके बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस मुझसे पूछते हैं कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मैंने इस पर्टिकुलर डेट पे अप्लाई किया, वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन इतने दिन हो गए सर, वो ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक मेरे पास आया नहीं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो में कि आप लोग क्या गलतियाँ कर देते हो। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक वीडियो को आप नहीं करते हो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, शेयर भी सभी लोग अपने लोगों तक, दोस्तों तक, फैमिली तक जरूर वीडियो को करें, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, पूरा सब्सक्राइब किया करें दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो जो नई डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचा करें। तो यहाँ पे जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों यहाँ पे, वो ये निकल के आया कि 10 दिन पहुंचने वाला ड्राइविंग लाइसेंस किसी किसी का महीना भर, किसी का पहुंच ही नहीं रहा है। तो ऐसे रीजन क्या निकल गया, रीजन बात करते हैं दोस्तों हम कि इसका निचोड़ क्या है, कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वजह आप जानेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा शौक लगेगा कि इस तरीके से हो रहा है दोस्तों कि आप बहुत सारे लोग वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए विजिट करते हैं तो खुद से वहाँ पे फॉर्म को फिलअप करते हैं, या फिर ऑनलाइन आप अप्लाई करते हो, चाहे ऑफलाइन में तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ऑनलाइन में आप खुद से एड्रेस वगैरह डाल देते हो। तो होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आप अपने विलेज को या फिर अपने वहाँ पे स्ट्रीट को, डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को आप चूज़ करते हो, साथ ही साथ उसके नीचे जो आता है पिन कोड का ऑप्शन, वो दोस्तों बहुत सारे लोग को गलत किया जा रहा है, वो गलत कर दे रहे हैं। जैसे किसी किसी का पिन कोड है वहाँ पे 400001, तो दोस्तों ऐसा पिन कोड है तो दोस्तों 400 और उसके बाद 00 नहीं लगा रहे हैं, 01 लगा दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। जैसे किसी का पिन कोड दोस्तों वहाँ पर मान के चलिए कि आप वहाँ पे है 230 और उसके बाद है 128, तो 128 के वो स्थान पर उसको कुछ गलत करके 129 कर दे रहे हैं या फिर 127 कर दे रहे हैं, वहाँ पे माइनरली वो चेंजेस हो जाता है उनसे, वो क्योंकि वो प्रेस करते हैं 7 को और वहाँ पे अगर वो ध्यान नहीं देते हैं कोई कोई मतलब अनजान तरीके से, वो खुद से अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आप खुद से, आपको उतना कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, नहीं चला, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे खुद से वहाँ पे गए साइबर कैफे पे, आप खुद ऑनलाइन आप आवेदन कर रहे हो, इसके में दोस्तों बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं। मैं आपको RTO की जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों पिन कोड गलत वो फिल कर रहे हैं, और पूरा का पूरा खेल जो होता है एड्रेस का वो पिन कोड पे ही डिपेंड करता है। पिन कोड अगर आप सही नहीं डालेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पे कभी नहीं पहुंचेगी, आप मान के चलिए। और आप अगर एड्रेस थोड़ा सा चेंज कर देते हो, आपका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे चलेगा, विलेज आप चेंज कर देंगे चलेगा, लेकिन अगर आप पिन कोड ही चेंज कर देंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर नहीं पहुँचेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल लिखित जानकारी दे रहा हूँ। तो 10 दिन में पहुंचने वाला ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिन क्यों लगता है, क्योंकि दोस्तों वेरीफाई करते हैं ये पिन कोड कहाँ का है, ये पिन कोड कहाँ का है। थोड़ी सी गलती आप कर देते हो 128 की जगह 129, तो वो जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो तो समझते हैं दोस्तों कि ये जो पिन कोड है इस एरिया के अंतर्गत ही आपका विलेज या फिर आपका स्ट्रीट या फिर आपका कॉलोनी वगैरह आती है, लेकिन जब आप उस पिन कोड गलत डालेंगे तो वहाँ पे वो चला जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, वहाँ पे आपका एड्रेस मिलेगा ही नहीं, फिर से वो बैक आएगा, फिर से चेकिंग की जाएगी, तो इस केस में काफ़ी टाइम लग जाता है इसे प्रोसेस में। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो 10 दिन में पहुँचने वाला था वो महीने भर में पहुँचता है दोस्तों, पहुँचता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो टाइम लग जाता है। अगर आप सही सही सीजन सही तरीके से विकल्प को फिल करेंगे, सही जानकारी देंगे दोस्तों, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर दोस्तों 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाता है। मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों लगभग 10 दिन के अंदर ही आ गया था, मैंने खुद से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस खुद से बनवाया, सारी प्रक्रिया मैं खुद से करता हूँ दोस्तों, मैं सब चीज़ें अपने प्रैक्टिकल पर मैं करके तभी आपको बताता हूँ। तो ही दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस में यही दोस्तों कमियां निकल के आ रही हैं कि पिन कोड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जरूर उसको ध्यान से भरा करें। तो यही है दोस्तों वहाँ पे रीजन की 10 दिन का ड्राइविंग लाइसेंस किसी किसी का पहुँचता ही नहीं, किसी का पहुँचता है तो 30 दिन 45 दिन 60 दिन ले लेता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एड्रेस का पूरा खेल है और पिन कोड पर जरूर फोकस करें नेक्स्ट टाइम से दोस्तों। तो यही तो दोस्तों वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में कुछ सीखने को मिले हो, जानकारी मिले हो, वीडियो को समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी सब लोग तो अपने दोस्तों तक करें,
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखें दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हो, कुछ एडवाइस मुझे देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, @TechnicalAlokji हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।